And the topic is the biodiversity. So the first question is define biodiversity and also describe the importance of biodiversity. सबसे पहले तो ये बात करनी है कि बायोडाइवर्सिटी इन इनफैक्ट है क्या, और बायोडाइवर्सिटी की बात करने के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है. सो द बायोडाइवर्सिटी और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीसीज एक्सिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. यानी कि ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानवरों के बारे में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब मैं हर लिविंग की बात कर रहा हूँ. उसमें प्रोटोजोआस भी शामिल होते हैं, उसमें फंजाई भी शामिल है, उसमें एलजी भी शामिल है, उसमें तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल है, उसमें तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एलजी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली अ कलेक्टिव टर्म विच इज़ यूज टू रेफर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पढ़ना क्या है, हमने ये पढ़ना होता है कि स्पीसीज जो मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं वो किस हिसाब से एक दूसरे से वेरी करती हैं, एक दूसरे से उनके दरमियान में क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो चेंजेस हैं, या बायोडाइवर्सिटी हमारी जिंदगियों में, हमारी लाइफ में, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल रखती है. सो दे Now we are about to discuss the need of classification. कि क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आखिर ऐसा क्या है कि हमें ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई करना पड़े. तो पहले बारे में तो याद रखिए कि क्लासिफिकेशन से मुराद हमारी क्या है. क्लासिफिकेशन से मुराद हमारी ये होती है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें हम दो कैटेगरी में शामिल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिर हम कहते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस मे बी पॉसिबल ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट डिस्टॉर्शन, शायद कोई इंटरनेट की डिस्टॉर्शन हो रही है जिसकी वजह से ये स्क्रीन जो है वो फॉल्ट इस पर आ रहा है. बहरहाल नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या. तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन ये कि हमें ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को आखिर क्यों अलहदा कर रहे हैं. तो पहली बात में याद रखिए कि हम सबसे पहले अगर ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं तो वी कैटेगराइज द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, हम सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, हम उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, इसी तरह से हम उनमें पाए जाने वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिस बुनियाद पर हम स्पीसीज को क्लासीफाई करते हैं. मतलब अगर ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, इस बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं कि ये दो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर प्लांट बॉडी की हम बात करें तो प्लांट बॉडी में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट होता है एनिमल्स से, तो इसी वजह से हम एनिमल्स को एक अलग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं और प्लांट की बॉडी को एक अलहदा ऑर्गेनिज्म जो है वो हम कंसीडर कर रहे होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिस्ट वर्ल्ड इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन, साइज, शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन. सो अ कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाई मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सो दैट इज वाई कार्लस लाइनियस हैड अ ग्रेट स्टेप टू मॉडिफाई द स्टडी सिस्टम. कार्लस लाइनियस वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि इन्हीं की काविशों की बुनियाद पर, इन्हीं की कोशिशों की वजह से जो है हम ऑर्गेनिजम्स को एक नाम देने में कामयाब हुए जो हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे. हम एक ऐसे दौर को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स
को क्लासिफाई किया जाता था दो किंगडम्स में, एंड दीज टू किंगडम्स वर किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। तो शुरू में उस वक्त की बात है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, हम उसे कहते थे कि या तो ये ऑर्गेनिज्म एनिमल है या ये ऑर्गेनिज्म जो है ये प्लांट है। अब ऐसा क्यों होता था, इसकी बुनियाद क्या थी, या क्यों जो है हम ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसे दौर की कहानी है जहां पर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को देख नहीं सकते, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो इस वक्त तक ईजाद नहीं हुआ था। अब माइक्रोस्कोप हमारे पास चूंकि मौजूद नहीं था, इस वजह से हम बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते थे। लिहाजा दैट वॉज द टाइम हम ऑर्गेनिजम्स को ये कहते थे कि या तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट है। अगर हम उसे एनिमल कहते थे तो एनिमल कहने का रीजन ये था कि उनकी बॉडी के अंदर सेल वॉल और क्लोरोफिल मौजूद नहीं होते, और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडीज के अंदर सेल वॉल या क्लोरोफिल पाए जाते थे, हम और ऑर्गेनिजम्स को कहते थे कि ये प्लांट है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नजर आए, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर सेल वॉल है, उसकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल है, तो इट्स मीन दैट कि इट्स दिस ऑर्गेनिज्म इज बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटी। और अगर उसकी बॉडी में ये दोनों चीजें नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये किंगडम एनिमेलिया है। तो क्लासिफिकेशन का जो बाकायदा आगाज हुआ, उसके लिए कुछ जरूरतें थी, कुछ यूनिट्स बनाने पड़े, और वो यूनिट्स आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि वो यूनिट्स हमारे पास हैं स्पीसीज, सबसे पहले उसके पास जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम, और फिर फाइनली जो है वो डिवीजन। क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो इससे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन आर द होमो सैपियंस। हम ह्यूमन बींग्स को साइंटिफिकली होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। अब इस होमो का वर्ल्ड क्या है, होमो रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली, यानी कि जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और स्पीसी का जो नेम है पार्टिकुलरली दैट इज कॉल्ड एज सैपियंस। तो अगर आपसे कहा जाए कि होमो सैपियंस जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें जीनस क्या है और स्पीसी क्या है, तो जीनस इज द होमो एंड द स्पीसी नेम ऑफ ह्यूमन बींग इज अ सेपियंस। इसी तरह से किस फैमिली से ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, तो ये फैमिली यानी कि मोनिडी से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर इनका क्या है, प्रिमेट्स, ये ऑर्डर से क्लासिफाई करते हैं। क्लास कौन सी है, मैमल्स है। अब मैमल्स तक की अगर हम बात पे पहुंच गए, तो मैमल्स क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे हेयर्स मौजूद होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिनकी मुख्तलिफ साउंड्स मौजूद हैं इनके पास, ये बिलोंग करते हैं कॉर्डेट से, और कॉर्डेट का जो ताल्लुक है वो किससे है, एनिमल से है। इसी तरह से अगर हम गार्डन पी की बात करें, तो गार्डन पी बिलोंग्स करती है किंगडम प्लांटी से। इसका जो कॉर्डेट ताल्लुक रखता था, इस तरह से ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं, तो फाइलम है उसका कॉर्डेट, जबकि प्लांट्स का जो कॉर्डेट्स है वो मंगोलियो फाइटा है। इसी तरह से क्लास इनकी जो है वो मंगोलियो साइट है। फेबल्स इनके ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, फैमिली का नाम फेबेसी है, जीनस नेम है पाइसम, और स्पीसी का नेम है सेटाइवम। सो साइंटिफिक नेम हो गया इसका पाइसम सेटाइवम। सो दिस इज हाउ कि हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं, उनके जो नाम दे जाते हैं, तो एक पार्टिकुलरली उसका एक तरीक़ेकार है, और उस तरीक़ेकार को हम कहते हैं कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। मैं बात कर रहा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में याद रखिए कि एक ऐसा दौर है कि जहां पे ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो हम कहेंगे कि ये किंगडम प्लांटी है, या हम कहते हैं कि ये एनिमल किंगडम है। तो अगर ये किंगडम प्लांटी है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म शामिल है। सो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि प्लांट की जितनी भी टाइप्स थी, एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसी तरह से ब्रायोफाइट भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होती है, टेरिडोफाइट्स ये जो है ये ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन है। तो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर रहे थे, तो हमने किंगडम प्लांटी के अंदर पहले तो प्लांट्स शामिल हो गए, इसके साथ साथ इसी के ग्रुप के अंदर फंजाई भी, इसी ग्रुप में एलजी भी, इसी ग्रुप में बैक्टीरिया भी शामिल थे। ये किस दौर की बात है, ये एक ऐसे दौर की बात है जहां पर माइक्रोस्कोप नहीं है, जहां पर इन्वेंशन नहीं हो रही, जहां पर डिस्कवरीज नहीं हो रही, जहां पर कुछ नहीं मालूम कि इन फ्यूचर जो है क्या ये ऑर्गेनिजम्स मजीद किसी डिवीजन में जाएंगे या नहीं। तो एक ऐसे दौर में हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर हमें किंगडम प्लांटी में शामिल करते थे, तो इसका रीजन क्यों होता था कि हम बैक्टीरिया को क्यों कह रहे हैं कि ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, एलजी क्यों किंगडम प्लांटी से, फंजाई का ताल्लुक क्यों है।
सो द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स वर नो लोकोमोशन टेक प्लेस, कि ये लोकोमोशन नहीं करते. सेकेंडली दे रिस्पॉन्ड स्लो टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. एक्सटर्नल स्टिमुलस से पे ये रिस्पॉन्ड जो है वो स्लो करते हैं. एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल मैसेज लाइक इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इसे हम एक्सटर्नल स्टिमुलस कहते हैं. इसे इस तरह से समझो कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है उन रीजन्स पे ग्रो करता है या उस जगह पे मूव करता है जहां पे लाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो या उसे ज्यादा लाइट मिल रही हो, तो प्लांट उस तरफ मूव करना शुरू हो जाता है. इसी तरह से रूट्स की अगर हम पार्टिकुलरली बात करें तो रूट्स स्पेशली जो है वो डाउन द अर्थ जो है वो जाने की कोशिश कर रही होती है. क्यों जाती है? क्योंकि दे रिस्पॉन्ड टू द वॉटर, वो वॉटर को रिस्पॉन्ड कर रही होती है और जहां जहां पानी होता है वो रूट्स वहां पर पहुंच जाती हैं. दे डू नॉट ईट, तो ये कोई एक्सटर्नली खाना नहीं खाते थे. दे ऑल आर ऑटोट्रॉफिक, दे वर कंसीडर्ड एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. इसी तरह से इनकी बॉडीज में कंडक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है जिसके जरिए ये एक्सक्रीशन कर सकते, और इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल वॉल मौजूद थी. अब चूंकि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल मौजूद है, प्लांट्स के बाद भी सेल वॉल मौजूद है, लिहाजा ये उस दौर की बात है जहां पर हम ये समझते थे कि बैक्टीरिया भी इटसेल्फ क्या है, एक किस्म का प्लांट है. इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, कि हम अगर एनिमल किंगडम में कंसीडर कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, अगर हमने एनिमल कहा है तो एनिमल कहने की क्या रीजंस थे. तो लोकोमोशन टेक्स प्लेस, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी बॉडीज में लोकोमोशन होती थी, यानी कि ये मूव कर सकते हैं. लोकोमोशन का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे रिस्पॉन्ड फास्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये मुख्तलिफ स्टिमुलस अगर इन पर अपेयर करवाए जाएँ तो ये उस पर जो है सिस्टमेटिकली तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, और इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है. इसी तरह से दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एनिमल्स, ये हीटरोट्रॉफिक हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं और अपना खाना उनसे हासिल करते हैं. इसी तरह से और इन एनिमल्स के पास कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम मौजूद है, कनेक्टाइल सिस्टम मौजूद है जिसके जरिए ये एक्सक्रीशन कर सकते हैं, और तमाम ऑर्गेनिजम्स यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं है. So this is how we were classified. We classified the organisms into two types. The first one was the animal kingdom, and secondly was. So what is the three kingdom classification? Three kingdom classification kya hai? So Ernst Haeckel in 1866 introduced a new kingdom and named the kingdom as a protista. और इसमें जितने भी organisms हैं वो इन्होंने शामिल किए. अब वो organisms जो इसमें शामिल हैं वो कौन से हैं? सो दे वर नेम्ड एज अ लोअर प्रोटिस्ट, उन्हें लोअर प्रोटिस्ट कहा गया, एंड दीज लोअर प्रोटिस्ट वर इंक्लूडिंग द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आई रिपीट, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि प्रोकैरियोटिक से मुराद क्या है? प्रोकैरियोटिक की टर्मिनोलॉजी हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स इन दोज बॉडीज इन हूज बॉडीज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडीज के अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं. इसी तरह से ये उनकी बॉडीज की बात करें कि वो जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद है, सो those type of organisms are called eukaryotic organisms as they have or as they contain nucleus inside their bodies. तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडीज के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं, और जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है हम उसे प्रोकैरियोट कहते हैं. तो लिहाजा फैकल ने क्या किया है, पहली मरतबा इन्होंने प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को डिवाइड किया. किस बुनियाद पे? कि इनकी बॉडीज के अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं है. इसी तरह से हायर प्रोटिस्ट की बात की, और हायर प्रोटिस्ट किसे कहा जाता है? हायर प्रोटिस्ट कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास यूकैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इनके पास जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है. इनकी बॉडीज या तो सिंगल सेल यानी कि एक सेल पे कंपोज्ड होती है, या उनकी बॉडीज में एक से ज्यादा सेल जो है वो मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि फंजाई, जैसे कि एल्गी, एक्सेप्ट द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. क्या है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, किसे कहते हैं? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि चार किंगडम्स हमने स्टडी करने हैं, एंड दीज फोर किंगडम्स आर नंबर वन किंगडम मोनेरा, नंबर टू किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर थ्री किंगडम मेटाफाइटा, एंड फाइनली द फोर्थ वन विच इज द किंगडम मेटाजोआ. तो ये चार किंगडम की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की गई?
सो द किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स लोअर प्रोटिस्ट, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडीज के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, एंड एग्जाम्पल्स इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी एटसेट्रा. किंगडम प्रोटिस्ट इंक्लूड्स हायर प्रोटिस्ट, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडीज के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, और इसकी जो एग्जाम्पल्स हमें नजर आती है वो एग्जाम्पल्स हमें नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ द फंजाई. किंगडम मेटाफाइटा क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स हैं, और प्लांट्स होने के साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर ट्रू न्यूक्लियस यानी प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है. एंड दिस किंगडम इंक्लूड ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स. इसी तरह से किंगडम मेटाजोन्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स द एनिमल्स, और एनिमल्स कौन से? जो कि यूकैरियोटिक होंगे, मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस या प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा. एंड द ऑर्गेनिजम्स आर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, जिनकी बॉडीज के अंदर बैकबोन मौजूद है वो ऑर्गेनिजम्स, और जिनकी बॉडीज में बैकबोन मौजूद नहीं है वो दोनों ऑर्गेनिजम जो है वो इस ग्रुप के अंदर शामिल किए गए.